स्मार्ट टेलीकॉम आपका अपना चैनल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, आप इसे ज़रूर पूरा देखें, इसके बाद एक और भी आएगा तीसरा पार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो रिसीवर होते हैं वो होते किस तरह के हैं, दिखते किस तरह से हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक दो रिसीवर्स को निकाल के रखा है, दोनों भी एंड्रॉयड मोबाइल के हैं, और किस तरह के आते हैं ये सारे मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए एक है मेरे पास, ये एक रिसीवर है। इसमें जितने भी होते हैं दोस्तों, इसमें दो पिनें होती हैं या फिर दो डॉट्स होते हैं, दो टिप्स होते हैं वो जो जा कर के दोस्तों, क्योंकि इसमें दो टिप्स इसलिए होती हैं कि वो जा कर के यहाँ पर मोबाइल में जो है ना, यहाँ पर दो टिप्स होती हैं इस तरह की, तो उसको जा कर के टच होते हैं। तो चलिए हम ये सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, दिखने में किस तरह के होते हैं, तो उसके बाद में हम देखेंगे कि इसे इसकी चेकिंग किस तरह से करना है कि ये अच्छे है या ख़राब है। तो सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन देख लेते हैं, कुछ मैं आपको डिज़ाइन बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी एक एंड्रॉयड मोबाइल का है जिसके अंदर कनेक्टेड टाइप है, इसको किसी भी मोबाइल के पीसीबी में जस्ट कनेक्ट कर देना है। चलिए ये देखिए एक और है, इसको बस ये ऊपर एक व्हाइट कलर का टेप है, इसे निकाल करके बस मोबाइल में चिपका देना है। पीछे इसके पिन्स होती हैं वो बोर्ड को टच हो जाएंगी, देखो कनेक्टर। ये भी एक है दोस्तों रिसीवर, ये देखिए ये भी एक रिसीवर है जो मेरे पास अभी अवेलेबल है इस तरह का। चलिए ये देखिए दोस्तों एक इस तरह का भी आता है जिसके अंदर से दो वायरें होती हैं, एक प्लस और माइनस की वायरें होती हैं, जिसमें हमें मोबाइल के ऊपर पीसीबी पर, मोबाइल के पीसीबी पे कनेक्ट होना होता है इसे जम्पर यानी मोबाइल पीसीबी पर। ये देखिए एक और है जिसके अंदर दो दो चार पिने हैं, क्योंकि चार टिप्स होती हैं मोबाइल के पीसीबी पर, बस मोबाइल में चार पिने भी होती हैं। ये देखिए दोस्तों एक और है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों ये एक और मेरे पास है यहाँ पर, जो रिसीवर है, जो रिसीवर है दोस्तों उसके अंदर आपको एक मोबाइल का सेंसर भी मिलेगा, और यहाँ पर देखिए आप इसके अंदर एक एक पत्ते की तरह बना हुआ, एक बेल्ट की तरह है। ये बहुत ही महंगा होता है दोस्तों, ये आपको LYF के मोबाइल के अंदर आता है या थोड़े कुछ मोबाइल के अंदर आता है, और ये बहुत ही महंगा होता है। ये आपको 250 के आसपास मिलता है दोस्तों, और दूसरे जितने भी मैंने बताया था वो 50 से 60 रुपये के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन ये वाला जो बेल्ट है ये 250 रुपीज़ का होता है, बहुत ही महंगा होता है। आप इसे जब भी मोबाइल कुछ रिपेयर करने आए तो इसे संभाल के रखें, वरना आपके 250 रुपीज़ लॉस हो सकते हैं, आपको डाल के देना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों ये भी उसी तरह का है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक छोटा सा सर्किट की तरह पीसीबी है, और यहाँ पर भी देखिए ये भी बेल्ट की तरह है, बस इसे हमें लॉक के अंदर लगा देना है। तो दोस्तों बताए हैं रुक। तो फ्रेंड्स ये जो रिसीवर है इसको चेक करने के लिए हमें ये मल्टीमीटर को लेना पड़ेगा, और मल्टीमीटर को हम यहाँ पर भी बजर मोड पे रख लेंगे, ये देखिए डायोड मोड भी जिसे कहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसे दो तरफ लगाना है इस तरह से प्रोब को, किस तरफ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। ये आवाज़ दोस्तों अगर मोबाइल के अंदर नहीं आ रही तो सबसे पहले हमें इसे चेक करना है, अगर ये ख़राब होगा तो इसे चेंज करके देख लें, आपकी आवाज़ आ जाएगी। अगर इसके ये चेंज करने के बाद में भी आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो उसकी सप्लाइयों को चेक करना है, वो किस तरह से चेक करना है, उसकी रीडिंग कितनी आती है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे तो एक तरफ रेड प्रोब रख देंगे, और मल्टीमीटर को हमने बीप मोड पर सेट किया है, और दूसरी तरफ लगाएंगे। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो बीप के साथ में यहाँ पर 32 तक रीडिंग आ रही है, 29 तक आ रही है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है 28 से लेकर 32 तक, 28 से 32 तक रीडिंग आएगी इसके अंदर। ये देखिए एक और है, मैं इसे भी चेक करके बताता हूँ आपको। सो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है, और ये जो है ये ख़राब है। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने इसमें देखा 28 से 32 तक रीडिंग आ रही है, साथ में बीप का साउंड भी आना चाहिए दोस्तों, तो तभी ये ओके कंडीशन होगा। 28 से 32 प्लस ये बीप की साउंड आएंगी तो ओके कंडीशन होगा। अगर से 28 से कम आ रही है या 32 से ज़्यादा आ रही है और बीप की साउंड नहीं आ रही है तो वो आपका जो स्पीकर है वो ख़राब हो जाएगा, उसे हम जो है ना निकाल करके रिप्लेस करेंगे या फिर चेंज बोल सकते हैं हम, चेंज करेंगे।